गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, चैप्टर नंबर 2. सो ऑल ऑफ यू ओपन योर टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज नंबर 2.9. क्वेश्चन नंबर 1. थ्री टैंकर्स कंटेन 403 लीटर, 434 लीटर एंड 465 लीटर ऑफ केरोसिन ऑयल रिस्पेक्टिवली. तीन टैंक 403 लीटर, 434 लीटर एंड 465 लीटर केरोसिन ऑयल यूज करते हैं. फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विच कैन मेजर द केरोसिन ऑयल ऑफ ऑल द टैंकर्स. हमें मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है केरोसिन ऑयल की ऑल द टैंकर्स व्हेन यूज्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम. हम इसके लिए फाइंड प्रीवियस क्लास में भी आपने HCF एंड LCM किए हैं. यहाँ हम HCF फाइंड करेंगे. फाइंड द HCF 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर. 403 को हम 13 की टेबल से डिवाइड करेंगे जो कि जाएगा 31 टाइम. 31 वन द 31. 434 पीछे 4 दिया है मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है. 2 से रफली आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 217. फिर ये 7 की टेबल से डिवाइड होगा. 7 3 द 21, 7 1 जा 7 एंड 31 1 द 31. 465 पीछे 5 दिया हुआ है मींस ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकेगा तो हम 3 से डिवाइड करके करेंगे. 3 1 3, 3 5 15. आप इसको रफली करेंगे. 5 3 15, 5 1 5 एंड 31 1 31. नेक्स्ट 403 का जो HCF था 13 into 31, 434 का 2 into 7 into 31, 465 का 3 into 5 into 31. HCF हम सिर्फ जो सेम नंबर्स रहते हैं उनको ही हम राइट करते हैं. यहाँ पे हमें सेम नंबर मिल रहा है 31. सो अवर HCF ऑफ 403 लीटर, 434 लीटर एंड 465 लीटर इज 31. हेंस मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज 31 लीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Find the greatest number that will divide 398, 436, 542, leaving remainder 7, 11 and 15 respectively. हमें सबसे greatest number निकालना है जो कि इन numbers को divide करे but उसके remainder बचे 7, 11 and 15. So, हम number 1 लिखेंगे. N1 is equals to 398. फर्स्ट जो हमारा रिमाइंडर था वो था 7, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. 398 minus 7 is equals to 391. सेकेंड नंबर 2, 436. सेकेंड रिमाइंडर था 11. 436 minus 11 is equals to 425. नेक्स्ट N3 नंबर 3, 542 minus 15. थर्ड रिमाइंडर था हमारा 15, सो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम थर्ड नंबर इज इक्वल टू 527. अब हम इनका HCF लेंगे 391, 425 एंड 527. 391 सब्ट्रैक्ट होगा 17 की टेबल से 23 टाइम एंड लास्ट 23 बंदा 23. ये सब छोटे नंबर्स मीन्स 2, 3, 7, 6, 7, 8 से डिवाइड नहीं हो सकते इसलिए डायरेक्ट वह 17 से होंगे एंड 17 इज अ प्राइम नंबर एंड 23 इज ऑल्सो प्राइम नंबर. नेक्स्ट 425 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है. 5 8 जा 40, 5 5 जा 25. 5 से फिर से डिवाइड हो सकता है क्योंकि लास्ट नंबर 1s की प्लेस पे 5 है. डिवाइड करेंगे 85 जाएगा 17 टाइम. 17 प्राइम नंबर है तो 17 की ही टेबल से डिवाइड होगा 1 टाइम. नेक्स्ट 527 ये भी प्राइम नंबर है सो प्राइम नंबर से डिवाइड होगा 17 से 31 टाइम एंड 31 वन द 31. 391 का LCM 17 into 23, 425 का 5 into 5 into
17 एंड 527 का 17 इंटू 31 हमें HCF निकालना है, मींस हमें ओनली सेम नंबर ही राइट करना है। यहाँ पे सेम नंबर हमें जो दिख रहा है वह है 17। HCF इज इक्वल्स टू 17 एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर विच वेन डिवाइड बाय 12, 16, 24 एंड 36 लीव रिमाइंडर 7 इन ईच केस। हमें ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर राइट करना है जो कि 12, 16, 24 एंड 36 को डिवाइड कर सके और रिमाइंडर बचे 7 इन ईच केस, हर केस में 7 बचे। हम इनका LCM फाइंड करेंगे 12, 16, 24, 36 अलग अलग लेंगे हम। 12, 16, 24, 36 12 को डिवाइड करेंगे, 2 की टेबल में 12 आता है 6 टाइम, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ऐसे हमें LCM लेना है। 16 का लेंगे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। पहले हम सबसे छोटी टेबल से ट्राई करते हैं कि वह नंबर डिविजिबल है छोटी डिजिट से या नहीं। 2 1 2, 2 2 4, 2 की टेबल में 24, 12 टाइम में डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। नेक्स्ट 36, 2 1 जा 2, 2 8, इसको आप रफली डिवाइड करेंगे तो वह 36 18 टाइम में डिवाइड होगा, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब हम इनके फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 12, 2 इंटू 2 इंटू 3, 16 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 24 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 36 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें सेम देखो दिख रहा है, 2 हर टेबल में हमें सेम दिखाई दे रहा है और कोई भी सेम नहीं है, तो हम इसको 2 को 1 टाइम लिख देंगे और बाकी के अदर 2 बचे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 टाइम। सेकंड में भी 2 टाइम हमें सेम दिख रहा है, मींस 1 2 3 4 5, 2 को हम 5 टाइम राइट करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम 3 कितनी बार दिख रहा है हमें, सेम नहीं है क्योंकि 16 की टेबल में 3 फैक्टर नहीं है, इसलिए सेम नहीं है। सो हम 3 को 1 2 3 4 टाइम ले लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 600, इसको आप रफली मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 600। जो हमारा रिमाइंडर बचा था क्वेश्चन में 7 इन ईच केस, मीन्स 7, सो हम 600 में प्लस 7 करेंगे तो आंसर आएगा 607। द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इज 607। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 5, वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये आपका होमवर्क है, रफली आपको करना है सॉल्व एंड आंसर आप लास्ट में भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन द मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। मॉर्निंग वॉक में 3 पर्सन साथ में स्टार्ट करते हैं, देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर। यानी उनके जो स्टेप्स होते हैं 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल दे अगेन स्टेप टुगेदर। स्टार्टिंग पॉइंट से लेके वह फिर से साथ में किस टाइम सेम पॉइंट पर आएंगे। सो फर्स्ट पर्सन स्टेप ऑफ नंबर 1 इज 63 सेंटीमीटर, सेकेंड पर्सन 70 सेंटीमीटर, थर्ड पर्सन 77 सेंटीमीटर। हम LCM फाइंड करेंगे, LCM ऑफ 63, 70 एंड 77। यहाँ पे हम देखेंगे लास्ट में 0 70 का है तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम पहले 2 की टेबल से लेंगे। 63 एंड 77 सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो हम उनको सेम नीचे डाउन साइड राइट कर देंगे, 63 एंड 77। 2 की टेबल में 70 जाएगा 35 टाइम।
अब ये 2 की टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम 3 की से ट्राई करेंगे। 3 की टेबल से 63, 3 की टेबल में 63 21 टाइम डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 35 और 77 डिवाइड नहीं हो सकते, तो हम सेम ऐसे ही राइट कर देंगे। नेक्स्ट 3 की टेबल से 21 डिवाइड हो रहा है 7 टाइम, 3 7 जा 21 एंड 35 एंड 77 हम सेम राइट करेंगे। अब हम 5 की टेबल से डिवाइड करेंगे 35 को, 5 7 जा 35, बाकी जो नंबर्स हैं वो हम सेम लिखेंगे। अब ये 7 की टेबल से डिवाइड होगा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 11 जा 77। 11 इज अ प्राइम नंबर, सो हम 11 को 11 की टेबल से वन टाइम में डिवाइड करेंगे। द एलसीएम ऑफ 63 70 एंड 77 इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा 6930 सेंटीमीटर। एट 6930 सेंटीमीटर दे अगेन स्टेप स्टेप। क्वेश्चन नंबर 9 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 8, सो कम सॉल्व इन योर रफ कॉपी। क्वेश्चन नंबर 10, फोर बेल्स रिंग एट इंटरवल्स ऑफ, फोर बेल्स बजती हैं इंटरवल 8, 12, 18 एंड 20 मिनट्स में, एट व्हाट टाइम दे रिंग टुगेदर, किस टाइम वे सेम रिंग करेंगे। इफ दे स्टार्ट रिंगिंग सिम्यूटेनियसली एट 9 AM, मतलब वह 9 AM से स्टार्ट होती है, तो किस टाइम पे वह फिर से सेम रिंग करेंगी। तो हमें पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एन वन एन टू मीन्स नंबर वन इज 8 मिनट, नंबर टू 12 मिनट, नंबर थ्री 18 मिनट, नंबर फोर 12 मिनट। एलसीएम ऑफ 8, 12, 18 एंड 20। एलसीएम लेंगे हम 8, 12, 18 एंड 20 का। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। 2 से फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम 9 को सेम एज लिख देंगे डाउन साइड। 2 5 जा 10, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 3 डिवाइड नहीं हो रहा, 9 डिवाइड नहीं हो रहा, 5 डिवाइड नहीं हो रहा, तो सेम एज हम डाउन साइड राइट कर देंगे। अब हमारा जो डिजिट है 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 डिवाइड नहीं हो सकता, तो 5 को सेम एज डाउन साइड राइट कर दिया। 3 की टेबल में वन टाइम आता है 3, 3 1 जा 3, 5 नहीं आता, तो 5 को हम एज वेल एज वैसा ही राइट कर देंगे। लास्ट में 5 1 जा 5, तो हमारा एलसीएम ऑफ 8, 12, 18, 20 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा 360, मीन्स 360 आफ्टर 360 मिनट्स के बाद वो सेम रिंग बेल रिंग करेगी। यहाँ पे हमें मिनट्स में दिया है, तो पहले हम हावर्स में डिवाइड कर लेंगे। हमें पता है 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट, तो हम डिवाइड करेंगे 360 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 की टेबल में 36 आता है 6 टाइम, मींस आफ्टर 6 आवर सारी बेल्स एक साथ बजेंगी। तो रिंगिंग टाइम इज 9 AM, रिंगिंग टाइम था सुबह के 9 बजे, आफ्टर 6 आवर आफ्टर 9 AM हम प्लस करेंगे 9 के बाद। अपने आप वॉच में भी 6 आवर प्लस करेंगे, देख सकते हैं आपके घर में वॉच होगी, उसमें आप 6 आवर प्लस करने पे आपकी दोपहर के 3 बजेंगे, मीन्स 3 PM पर सभी बैल एक साथ रिंग करेंगे।